आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेनजीर भुट्टो की। पाकिस्तान के इतिहास को हम देख रहे हैं और अभी तक हमने बात की है पिछले ही हफ्ते मोहम्मद अली जिन्ना की, आप ज़रूर देखिएगा उनका लेक्चर, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं। फिर अभी हमने 3 दिन पहले बात की थी जियाउल हक की, जिन्होंने तख्ता पलट दी थी। पाकिस्तान में अभी तक 3 बार आर्मी का शासन रहा है। एक बार 1958 में जब तख्ता पलट हुआ था और अभी तक उसको पाकिस्तान का काला दिन बोला जाता है, और उससे एक साल पहले 1957 में प्रधानमंत्री जो भी आ रहा था, मतलब आ रहा था और जा रहा था, नेहरू जी ने एक चीज़ बोली थी 1957 में पाकिस्तान के बारे में कि मैं इतनी जल्दी धोती नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तान अपने प्रधानमंत्री बदल देता है। तो ये सब क्यों हो रहा था? एक्चुअली अभी तक आप पाकिस्तान के इतिहास को देखें तो कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो अपना पूरा टर्म कंप्लीट करे पाकिस्तान में। कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो अपने 5 साल कंप्लीट करे, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी के खिलाफ किसी, कभी ऐसा हुआ है कि तख्ता पलट हो गया, कभी ऐसा हुआ है कि सपोर्ट खींच लिया गया, कभी प्रेसिडेंट ने हटा दिया, तो यही चलता है वहां पे। कोई भी एक जो अच्छा लीडर आता है, जो वाकई में पाकिस्तान के लिए कुछ सोचता है और जब उस दिशा में आगे बढ़ता है, तभी कुछ ना कुछ हो जाता है। या तो मिलिट्री उसको पसंद नहीं करती, या फिर प्रेसिडेंट उसको पसंद नहीं करता, या फिर जो एक्सट्रीम लोग हैं वहां पे, एक्सट्रीमिज्म है, वो लोग पसंद नहीं करते। तो बेनजीर भुट्टो के साथ भी यही हुआ, इनको जान से मार दिया गया था, एसासिनेट कर दिया गया था इनको। अच्छी लीडर थी, जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी और पाकिस्तान के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री रही है, काफी स्ट्रांग लेडी थी, बट इनको भी एसासिनेट कर दिया गया, इनको भी निपटा दिया गया। तो आज हम बेनजीर भुट्टो की बात करेंगे। वैसे इनके पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया गया। आपको बताना चाहता हूं कि पहले इनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो, फिर इनके भाई, फिर इनकी माता जी और फिर बेनजीर। तो परिवार जो है ना, भुट्टो परिवार, ये बड़ी बड़ा बदनसीब परिवार रहा है, हमेशा से ही ये निशाने पे रहा है। तो आज हम बेनजीर भुट्टो की बात करेंगे, एक एक चीज देखेंगे और जो 1970 से लेकर 2008 क्या हुआ पाकिस्तान में, उस पे भी नजर डालेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिड अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों स्टडी आईक्यू की सेल चालू है, 30 अक्टूबर तक ये सेल रहेगी। सारे कोर्सेज पे 70% ऑफ है। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो अगर बेनजीर भुट्टो की बात करें तो इनका जन्म 21 जून 1953 में कराची में हुआ था, और जब इनका जन्म हुआ तो पाकिस्तान आपको पता ही है आजाद हो गया था। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को 1971 तक खुद को भी मैनेज करना था और इधर बांग्लादेश को भी मैनेज करना था। इनके जो पिताजी हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, वो काफी अमीर थे, मतलब इनका जो जन्म था बेनजीर भुट्टो का, वो काफी अमीर परिवार में हुआ था, ठीक है ना। इनकी माताजी का नाम था नुसरत ईसा पानी, मतलब शादी के बाद तो नुसरत भुट्टो हो गई थी वो, और इनके पिताजी जुल्फिकार अली भुट्टो। इनके जो दादाजी थे, बेनजीर भुट्टो के जो दादाजी थे, वो जूनागढ़ के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है ना, शाहनवाज भुट्टो। और आपको पता ही है कि जूनागढ़ में जो महावत खान थे, जो वहां के रूलर थे, वो कौन थे? वो मुस्लिम थे, ठीक है, लेकिन प्रजा हिंदू थी। अब जूनागढ़ से ये बोला जा रहा था, मतलब ये वो राजा जो थे यहाँ पे बोल रहे थे कि हमको पाकिस्तान के साथ मिलना है। वल्लभ भाई पटेल ने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता भैया, जो करना है कर लो, रेफरेंडम करवाएंगे हम, रेफरेंडम करवाओ। तो भैया वहां पे जो मेजोरिटी थी, 90% जो पॉपुलेशन थी, वो हिंदू थी, जूनागढ़ भारत में आ गया। बहुत जबरदस्त काम किया दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वो तो आपको मानना पड़ेगा। अगर वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी नहीं होते तो, नेहरू जी का भी यहाँ पे नाम लूंगा, बहुत लोग यहाँ पे चिढ़ जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली अगर वो दोनों नहीं होते तो आज भारत भारत नहीं होता। हाँ, वल्लभ भाई पटेल का उसमें थोड़ा सा ज्यादा योगदान है, ठीक है। तो ऐसा होता अगर मान लीजिए हमको कहीं पे भी जाना होता तो हमको वीजा लेके जाना पड़ता, पासपोर्ट लेके जाना पड़ता कि आज हम कानपुर देश में आए, फिर हमको लखनऊ देश से होते हुए दिल्ली देश जाना है, तो इस तरीके के भारत के टुकड़े होते, लेकिन आज भारत एक है, ठीक है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो के जो पिताजी थे शाहनवाज भुट्टो, वो जूनागढ़ के प्राइम मिनिस्टर थे। बंटवारा हुआ, सब पाकिस्तान आ गए और जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहीं पे ही अपनी जो सियासत है वो चलाई। अब जुल्फिकार अली भुट्टो खुद भी बहुत ज्यादा अमीर थे, अपने पिताजी की बेशुमार दौलत जुल्फिकार अली भुट्टो को मिली थी, और बहुत जल्दी ये पॉलिटिकली एक्टिव भी हो गए, पढ़े लिखे इंसान थे। बेनजीर भुट्टो भी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, ठीक है। आपको बता दूं कि बेनजीर भुट्टो की जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी वो इंग्लैंड में ही पढ़ी, और उसके बाद जिस तरीके का माहौल था, शुरू में तो उनको उर्दू भी बोलनी नहीं आती थी, ठीक है। और इसीलिए भुट्टो हमेशा निशाने पे रही, कट्टरपंथियों के निशाने पे हमेशा भुट्टो रही हैं, ठीक है। कि जो भी इनके, जो भी इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया, जो भी, वो बहुत ही ज्यादा
एक तरीके से चीजों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन ये कट्टरपंथी नहीं चाहते थे, जैसा है वैसा ही, क्योंकि जिया उल हक ने जो इस्लामीकरण कर दिया था पूरे स्टेट का वो बड़ा ही खतरनाक था, खुद खुद ऑर्डिनेंस उन्होंने लागू कर दिया था, अभी मैंने पूरा कवर किया है। लेकिन जब बेनजीर भुट्टो इसके बाद आई, उन्होंने वापस सारी चीज रिस्टोर करने की कोशिश की और यही कट्टरपंथियों को बिल्कुल नहीं भाया, तो यह हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहा। ठीक है, अभी हम उसकी बात करेंगे। वैसे तो अब हम ये देखते हैं कि बेनजीर भुट्टो पहली बेटी थी, 1953 में जुल्फिकार अली भुट्टो और नुसरत ईसा पानी की शादी हो गई और 1953 में ही पहली बेटी का जन्म होता है बेनजीर भुट्टो। ठीक है, अब बेनजीर भुट्टो का जब जन्म हुआ तो उसके बाद तीन और बच्चों का जन्म हुआ, मुर्तजा, सनम और शाहनवाज। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं दोस्तों कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो हैं वो सरकार में शामिल हुए। ठीक, अब आपको पता ही है कि 1958 में तख्ता पलट हो गया था, अयूब खान ने तख्ता पलट दिया था। अभी तक पाकिस्तान में तीन बार तख्ता पलट हुआ है। ठीक है, एक बार अयूब खान ने किया, एक बार जिया उल हक ने किया और एक बार परवेज मुशर्रफ ने किया। और ये तख्ता पलट क्यों था, आर्मी ने पूरा टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, तो अयूब खान ने तख्ता पलट किया, जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो, खैर अयूब खान और जुल्फिकार अली भुट्टो की मंत्री भी थी तो भैया मिनिस्टर भी थे। जब पांच साल की थी जब बेनजीर भुट्टो, तब से अपने पिताजी को एज अ मिनिस्टर देखती आ रही है। ठीक है, जब वो 9 साल की हुई तो फॉरेन मिनिस्टर हो गए। अब जुल्फिकार अली भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर थे कैबिनेट में तो काफी इन्होंने दुनिया देखी। बेनजीर भुट्टो भी बहुत ज्यादा काफी अपने पिताजी के साथ गई। ठीक है, इनको अकंपनी किया और अच्छी पढ़ाई भी जुल्फिकार अली भुट्टो ने बेनजीर भुट्टो को प्रोवाइड की, तो ये सब कुछ चलता रहा। अब हम पढ़ाई की बात करते हैं, तो वैसे तो बेनजीर भुट्टो काफी ज्यादा पढ़ी लिखी लेडी थी, बहुत ज्यादा इन्होंने पढ़ाई की थी। पहले तो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन स्कूल में पढ़ाई की इन्होंने और उसके बाद फिर ये लंदन गई। ठीक है, इंग्लैंड में जाकर इन्होंने पढ़ाई की और काफी टाइम तक इंग्लैंड में रही और 2 डिग्री थी इनके पास। ठीक है, 2 डिग्री ली इन्होंने और उसके बाद फिर ये पाकिस्तान वापस आई। अब जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे और प्रमोट भी करते थे, बहुत सपोर्ट भी करते थे कि तुम अपनी पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं। और इसी दौरान बेनजीर भुट्टो पॉलिटिकली एक्टिव भी बहुत ज्यादा थी। 1967 अयूब खान से बिल्कुल तंग आके जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी अलग पार्टी बना ली। ठीक है, 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी का जन्म होता है। ठीक है, 1967 में, और जुल्फिकार अली भुट्टो बोलते हैं अब तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। और यहां पे बहुत कम उम्र थी, 15-16 साल की ही थी बेनजीर भुट्टो, लेकिन उसके बावजूद अपने पिता को पूरा सपोर्ट किया और वो भी पॉलिटिकल एक्टिव थी। ठीक है, इनफैक्ट जुल्फिकार अली भुट्टो कहीं पे भी बाहर जाते थे तो बेनजीर भुट्टो भी इनके साथ जाती थी और बड़ी बड़ी मीटिंग्स में हिस्सा लेती थी। तो कमाल की बात है, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज्यादा परिपक्वता आ गई थी बेनजीर भुट्टो में। ठीक है, सब कुछ होता है दोस्तों 1969 से लेकर 1973 तक ये लंदन में, मतलब इंग्लैंड में ही रहती है, वहां पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की। और उसके बाद ये जो साल थे, ठीक है, 1969 से लेकर 1977 तक, ये जो 8 साल थे ये बेनजीर भुट्टो के गोल्डन ईयर्स थे, मतलब ये सबसे ज्यादा खुशनुमा पल थे। ठीक है, जब ये इंग्लैंड में थी इनको बहुत ज्यादा प्रपोजल भी मिले, इनफैक्ट इनको 2 पाकिस्तानियों ने प्रपोज भी किया था कि हमसे शादी कर लीजिए, लेकिन बेनजीर भुट्टो ने उसको ठुकरा दिया। अरेंज मैरिज हुई थी वैसे बेनजीर भुट्टो की आसिफ अली जरदारी, जो कि राष्ट्रपति भी रहे हैं पाकिस्तान के और जिनको मिस्टर 10% के नाम से जाना जाता है, कि भैया कुछ भी दो तो 10% कमीशन जो है वो आसिफ अली जरदारी को ही जाएगा। ठीक है, हालांकि अभी अरेस्ट भी कर लिया था बाद में, 1990s में वो जेल में ही थे आसिफ अली जरदारी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बेनजीर भुट्टो ये बहुत ही अच्छा, उन्होंने एकदम क्वालिटी टाइम, पढ़ाई भी इन्होंने की इंग्लैंड में रह के, सबसे दोस्ती भी की और यहाँ पे काफी इंडियन फ्रेंड्स भी बनाए, भारत के बहुत सारे दोस्त थे। अब 1971 में वॉर हुआ था, पाकिस्तान और भारत की अच्छी खासी दुश्मनी आपको पता ही है, लेकिन उसके बाद जब बेनजीर भुट्टो इंग्लैंड में थी वहां पे इन्होंने खूब सारे भारतीयों से दोस्ती की। और इनफैक्ट जब भुट्टो पावर में आई तब भी उन्होंने भारत के साथ रिलेशन अच्छे करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, दबाव में इन्होंने काफी बड़ी बड़ी गलतियां की। ठीक है, कश्मीर से रिलेटेड, जो कि इनको फिर बाद में भुगतना पड़ा। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ। फिर हम ये देखते हैं दोस्तों कि 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो प्रेसिडेंट हो गए पाकिस्तान के, ये बहुत अच्छी बात है। और 13 साल का मिलिट्री रूल चला 1958 से लेकर 1971 तक, और फाइनली डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आए, तो इनकी इज्जत भी बहुत ज्यादा थी और लोग बहुत ज्यादा इनको प्यार भी करते थे। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बनी थी 1967 में तो रोटी कपड़ा मकान की वो बात करती थी, वो लोगों के हक के बात करती थी, क्योंकि अयूब खान ने तो सब बर्बाद कर दिया था। ठीक है, तो जब ये प्रेसिडेंट बन के आए तो बहुत अच्छा हुआ 1971 में,
लेकिन दोस्तों यहां पे एक और इंसान का उदय हो रहा था, वो था जिया उल हक। अब इनका इनकी कहानी मैंने पूरी बताई हुई है, आप दो तीन दिन में जरूर, दो तीन दिन पहले वो लेक्चर आया था और वो लेक्चर आप जरूर सुनिएगा, फिर आप जरा रिलेट करके देखिएगा कितनी ज्यादा ड्रामेटिक चीजें हो गई। ठीक है, एक पूरा ड्रामा सा क्रिएट होता हमको दिखाई दे रहा है। वो ड्रामे के क्रिएशन की शुरुआत 1970s में ही हो गई थी जब जिया उल हक को ताकत देनी शुरू कर दी जुल्फिकार अली भुट्टो ने। बहुत ज्यादा भरोसा करते थे जिया उल हक पे। जुल्फिकार अली भुट्टो का यह मानना था, बहुत लोगों ने चेताया कि आप जो जिया उल हक पे इतना भरोसा कर रहे हैं, एक के बाद एक उसको प्रमोशन देते जा रहे हैं, जनाब आपको बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जुल्फिकार अली भुट्टो का बोलना था कि यार एक बात बताओ, इसको अंग्रेजी आती है नहीं आती है, क्या ये बहुत पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा है, ये लोगों से बात कर पाता है नहीं कर पाता है, इसीलिए तो इसको हम ऊपर बढ़ा रहे हैं, मिलिट्री को ज्यादा ताकत देंगे तो मिलिट्री हमारे सर पे चढ़ जाएगी। 1958 में जो हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो ने बहुत करीब से देखा इन सारी चीजों को, उससे सबक लिया कि दोबारा ऐसा ना हो। तो उनको लगा कि जिया उल हक एक बहुत ही कमजोर आर्मी चीफ साबित होंगे और आर्मी हमेशा हमारे नीचे रहेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इनफैक्ट आपको बता दूं, जुल्फिकार अली भुट्टो बहुत बेइज्जती करते थे जिया उल हक की, बंदर बंदर कह के चढ़ाते थे, भरे एकदम सभा में इनकी बेइज्जती करते थे और जिया उल हक इसको सबको सह जाते थे। बड़े चालाक इंसान थे, पूरा एक एक चीज स्टोर कर रहे थे, वक्त आने पर उन्होंने बदला लिया। ठीक है, तो जुल्फिकार अली भुट्टो की बहुत बड़ी गलती हो गई। 1972 में शिमला एग्रीमेंट होता है, मेरा एक पूरा सेपरेट लेक्चर आप जरूर देखिएगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान में समझौता होता है, कश्मीर को लेकर समझौता होता है, बहुत ही लंबी चौड़ी चीज है, मैंने इसके पूरा एक शिमला एग्रीमेंट पे 1972 शिमला एग्रीमेंट क्या था पूरा एक सेपरेट लेक्चर बनाया है, आप देख लीजिएगा। उसी दौरान इनकी मुलाकात इंदिरा गांधी से भी हुई। अब 1972 से लेकर 75 तक जहां पे भी जाते थे जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो उनके साथ जाती थी, बेनजीर भी साथ में मिलती थी, यहां पे ये एक्सपीरियंस ले रही थी। ठीक है, फॉरेन रिलेशंस का भी इनको एक्सपीरियंस होता जा रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर ये वापस आ गई इंग्लैंड, वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में इकोनॉमिक्स की इन्होंने डिग्री ली, फिलोसफी की इन्होंने डिग्री ली, तो दो डिग्री हो गई इनके पास, बहुत ही बढ़िया। लेडी मार्गरेट हॉल में बहुत अच्छी चीज है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत ही अच्छा। 1977 तक सबको लग रहा था कि पाकिस्तान बहुत अच्छी राह पे चल रहा है, लेकिन फिर जुल्फिकार अली भुट्टो ने आर्मी इन चीफ बना दिया जिया उल हक को। बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी। ठीक है, अब जब ये चीज हुई 1977 में, ये चीज हुआ तो जब मोहम्मद जिया उल हक ने इसका इस मौके का फायदा उठाया, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। ठीक है, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है, कि सब कुछ मिलिट्री ने अख्तियार कर लिया है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अब जितनी बेइज्जती की थी जिया उल हक की, अब जिया उल हक वापस उनसे बदला लेंगे। तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि जब जिया उल हक ने ये पूरा तख्ता पलट किया तो बोला कि बस 3 महीने तक है, 3 महीने रुक जाइए, उसके बाद दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे, परेशान मत होइए। लेकिन 11 साल बीत गए, 11 साल बाद फाइनली जिया उल हक जब मर गए तब जाके इलेक्शन हुए और फिर जाके बेनजीर भुट्टो जो है वो पावर में आई। तो जुल्फिकार अली भुट्टो को अरेस्ट कर लिया। अब जुल्फिकार अली भुट्टो को ऐसा लगा था कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा, मेरे साथ तो आवाम है। और ये ऐसा सच में दोस्तों हुआ था, जैसे ही जिया उल हक आए थे, जुल्फिकार अली भुट्टो को अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, तो जब अरेस्ट किया था तो बाहर लाखों लाखों लोग आ गए थे जुल्फिकार के फेवर में, तो इनको छोड़ना पड़ा था। लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ, जब जिया उल हक ने धीमे धीमे करके 2 महीने में पूरी पावर को कंसोलिडेट कर लिया, अपने पास रख ली, तब उन्होंने अपना तुरुक का एक कफे का। 1974 में एक पॉलिटिशियन की हत्या हुई थी, मोहम्मद अहमद खान कसूरी, जुल्फिकार को उस के आरोप में फंसा दिया और अरेस्ट करवा दिया सितंबर 1977 में। अब जुल्फिकार को लगा कि सब कुछ सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लोग फिर यहां पे सड़कों पे आएंगे, पीपीपी इतनी बड़ी पार्टी है, सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल उनका अंदाजा गलत निकला। 6 महीने तक यह पूरा केस चला। मार्च 1979 में हम ये देखते हैं दोस्तों कि अप्रैल 1979 में, ठीक है, हम ये देखते हैं कि इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, इनको फांसी दे दी गई। 78 में इनको अरेस्ट किया गया था, ठीक है, लेकिन 79 में, मतलब 6 महीने पूरी प्रोसीडिंग्स चली, सितंबर 1978 में जुल्फिकार अली भुट्टो को अरेस्ट किया गया और 1979 में फांसी दे दी गई। अब फांसी देने से पहले जिया उल हक के पास पिटीशन आई थी, मर्सी पिटीशन आई थी जुल्फिकार अली भुट्टो की कि आप इसको साइन कर दीजिए। और इनफैक्ट ये तक भी बोला जाता है कि जब आखिरी वक्त था तो इनकी बेटी बेनजीर भुट्टो और इनकी जो माता जी हैं नुसरत भुट्टो, दोनों लोग गए थे मिलने जुल्फिकार भुट्टो से। ठीक है, मुलाकात हुई। फिर ये तक भी गुहार लगाई थी
इनकी माता जी ने, नुसरत भुट्टो ने बोला था कि आप मेरे पति को बख्श दीजिए, इनकी फांसी बख्श दीजिए, मैं पाकिस्तान छोड़ के मैं चली जाऊंगी, मैं दोबारा कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगी, मैं पाकिस्तान, हम सब लोग कहीं दूर जाके बस जाएंगे, बस इनकी फांसी रोक दी जाए। लेकिन ये बिल्कुल मतलब अनसुना कर दिया गया, बोला लिखित में दीजिए, तो इनकी पत्नी ने लिखित में दिया, लेकिन बाद में इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, और उसके बाद अप्रैल 1979 में इनको फांसी दे दी गई। अब डेफिनेटली अनरेस्ट हुआ, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, धीमे 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 चीजें नॉर्मल हो गई। ठीक है, नॉर्मल क्या, एक्चुअली लोगों को फर्क पड़ता भी तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो पूरा रूल था वो आ गया था जिया उल हक। अब जिया उल हक बड़ी चालाकी से रूल कर रहे थे, यहां पे उन्होंने पूरा इस्लामाइजेशन जो है वो स्टेट का शुरू कर दिया, तो एक तबका जिया उल हक के साथ था कि सही है आर्मी का रूल लग गया, लेकिन एक तबका इनके खिलाफ था, जो तबका खिलाफ था वो जरा सा भी सर उठाता था वहीं सर काट दिए जाते थे, तो करें क्या। जैसे ही इनको एग्जीक्यूट किया गया, इसके बाद इनकी पत्नी और इनकी बेटियों को नजरबंद कर दिया गया कि सबसे पहले इनको जेल में डालो, क्योंकि 1979 के बाद जो पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पूरा चेयरमैनशिप है वो इनकी पत्नी को दे दी गई। लेकिन फिर यहां पे जियाउल हक ने इनको अरेस्ट करवा दिया गया। तो दोस्तों ये सब चलता रहा, काफी टाइम तक चला, कभी ये इनको नजरबंद किया गया, कभी जेल में बंद किया गया, कभी ये बाहर चली गई, कभी इनके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की, सब कुछ चलता रहा। ठीक है, 1988 तक ये सब कुछ यही रहा। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि 1988 में जब बहुत ज्यादा होने लगा कि इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ, तो 1988 में इलेक्शन हुए। इसी दौरान एक चीज और हुई थी कि इनके जो भाई हैं शाहनवाज भुट्टो, इनकी भी मौत बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी वाली रही है। 1985 में इनका देहांत हो गया था, फ्रांस में मतलब इनका देहांत हुआ, तो ऐसा बोला जाता कि इनको भी पॉइजन देके मारा गया था। जिया उल हक को बहुत ज्यादा शक था, उनके बाद उनके सामने सबसे बड़ा जो कांटा था वो पीपीपी थी, तो जितने भी पीपीपी के मैक्सिमम लीडर्स थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको जेल में डाल दिया उन्होंने। फिर भुट्टो फैमिली उनके लिए बहुत बड़ा खतरा थी, तो भुट्टो फैमिली के जो शाहनवाज थे, अब देखिए होता यह है कि पेट्रियार्की बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, ठीक है, परिवारवाद और ज्यादा बड़ी चीज है, तो भैया इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाई है, सब यही चाह रहे थे, मनी मन यही इच्छा थी कि जो इनकी लेगेसी है, ठीक है, जो इनकी वसीयत है या जो चीजें हैं, वो शाहनवाज संभाले, इनके बेटे संभाले। लेकिन बेनजीर भुट्टो सामने आई, वो एक लड़की थी, कुछ भी हो बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन थी तो वो लड़की, अब पाकिस्तान में उसको इतना ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती है, संभाले तो लड़का ही संभाले, ठीक है। तो शाहनवाज जो थे वो ऐसा लग रहा था कि ये आगे आएंगे और इनकी पार्टी संभालेंगे, और शायद जो अगली बार इलेक्शन होंगे उसमें शाहनवाज उतरेंगे और इनकी पीपीपी जीतेगी। लेकिन इसीलिए शाहनवाज, ऐसा बोला जाता है, क्या सच है क्या नहीं है, ऐसा बोला जाता कि इसीलिए शाहनवाज को मरवा दिया गया, जहर देके मार दिया गया। ठीक है, तो 1985 में इनके भाई शाहनवाज को भी मार दिया गया, ठीक है, और 1985 में मार्शल लॉ भी हटा दिया गया। फिर हम ये देखते हैं कि इस समय तक, इस समय क्या था कि बेनजीर भुट्टो बाहर थी, जैसा कि मैंने बताया ना कि 1979 से लेकर 1986 तक क्या हो रहा था कि कभी इनको नजरबंद कर दिया जा रहा था, कभी इनको जेल में डाल दिया जा रहा था, इनके पूरे परिवार के साथ यही हो रहा था, ये बाहर जा रही थी वो, तो वहां पे भी दिक्कत। लेकिन जब मार्शल लॉ हटाया गया 1985 में, तो ये वापस आई 1986 में, ये वापस आई, लाखों लाखों लोगों ने इनको ग्रीट किया, बहुत अच्छा था। इसी दौरान इनकी शादी भी हुई, आसिफ अली जरदारी से इनकी शादी हुई, जो कि प्रेसिडेंट भी बने और बाद में उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। तो भैया आसिफ अली जरदारी से इनसे शादी हुई, लेकिन ये शादी ऐसा था कि एक शादी है कि समझौता है, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, मतलब ये शादी शुरू में तो बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है रिलेशन थोड़े खराब होते गए, ऐसा बोला जाता है, ऐसी खबरें हैं। तो दोस्तों 1987 में इनकी शादी होती है, ठीक है, और फिर इनके बेटे बिलावल भुट्टो का भी जन्म होता है। अब इलेक्शन आ रहे थे 1988 में, जानबूझ के जिया उल हक ने 1988 में इलेक्शन रखा था, क्योंकि जो इनके बेटे थे बिलावल भुट्टो वो पेट में थे, अभी जन्मे नहीं थे, वो पेट में प्रेग्नेंट थी। तो अब जिया उल हक को लग रहा था कि लेडी प्रेग्नेंट है, क्या ये कैंपेन कर पाएगी और क्या इलेक्शन जीतेगी, तो इसीलिए नवंबर में करा दो। लेकिन बेनजीर भुट्टो ने एफिशिएंटली कैंपेनिंग की, 1988 में इलेक्शन हुए और 1988 में इलेक्शन जीते यहां पे पीपीपी ने, और 1988 में 2 दिसंबर 1988 में ये बनती हैं प्रधानमंत्री पाकिस्तान की, एंड शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन अ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ था, एंड यंगेस्ट इलेक्टेड लीडर इन दी इस्लामिक वर्ल्ड। तो बेनजीर भुट्टो ने तो इतिहास रच दिया। इसी दौरान 1988 में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी डॉटर ऑफ द ईस्ट ये भी पब्लिश की, ठीक है, जो इनकी पहली कैबिनेट थी वो काफी बड़ी थी, अच्छी खासी, बहुत सारे मिनिस्टर्स थे,
और इन्होंने अपने परिवार के काफी लोगों को जगह दी थी कैबिनेट में, ठीक है। जो इनकी माता जी थी उनको सीनियर मिनिस्टर बनाया गया था, इनके जो ससुर थे उनको भी चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया गया था। अब यहां पे बहुत सारे इन पे इल्जाम भी लगे, करप्शन पे भी बहुत ज्यादा इल्जाम लगे कि इन्होंने पैसे का बहुत ज्यादा हेरफेर किया है। जैसा कि मैंने बोला ना, मिस्टर आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10% बोला जाता था कि कुछ भी अगर काम कराना है तो 10% इनको जाएगा। तो भैया ये सब कुछ हुआ, काफी करप्शन के भी चार्ज लगे। अब 1988 में 11 साल तक एक ऐसे इंसान का रूल रहा जिसने पूरे स्टेट को, पूरे देश को बदलने की कोशिश की। उसने पूरे स्टेट को एक धार्मिक रंग दे दिया, मतलब पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, इस्लामाइजेशन कर दिया, ठीक है। अब यहां पे जब बेनजीर भुट्टो आए तो उसको हटाने की कोशिश की, ये बैकफायर कर गया। बहुत लोग जो थे इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। बहुत सारे लिबरल रिफॉर्म्स लेके आए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इन्होंने छोड़ने की कोशिश की, भारत से इन्होंने रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों ये 1988 का साल था, ये कितना ज्यादा खतरनाक साल था दोस्तों, जब बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री थी पाकिस्तान की, प्रधानमंत्री रही 1988 से लेकर 1990 तक। उसी वक्त अभी तक का कश्मीर में सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ था, कश्मीर में इंसर्जेंसी अपने पीक पे थी 1990 के दशक में, ठीक है। और आर्मी फुल ऑन सपोर्ट, आईएसआई फुल ऑन सपोर्ट, तो बहुत ज्यादा दिक्कत। बेनजीर भुट्टो को भी ये पता था कि भारत से बहुत अच्छे मैं रिश्ते नहीं कर लूंगी अगर ऐसा मैंने कोशिश की, क्योंकि यहां पे मेजोरिटी नहीं मिली थी भुट्टो को, भुट्टो की पार्टी को मेजोरिटी तो मिली नहीं। तो अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो आर्मी मेरे पीछे पड़ जाएगी, आईएसआई मेरे पीछे पड़ जाएगी, और फिर संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने अपना स्टांस भी बदल लिया, भारत से बहुत अच्छे, शुरू में तो ठीक ठाक रिश्ते, ऐसा लग रहा था कि भारत से रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन फिर कश्मीर मुद्दे पे इन्होंने पूरा यू टर्न ले लिया, ठीक है। तो भैया बेनजीर भुट्टो ने काफी कुछ करने की कोशिश की, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को हटाया, उस समय मीडिया पे बैन लग गया था, जिया उलग ने सब कुछ बैन कर दिया था, ठीक है, उसको हटाने की कोशिश की, हुदहुद ऑर्डिनेंस जो था उसको कम करने की कोशिश की, बहुत लोगों को नहीं भाया, मूड खराब हो गया, ठीक है। बहुत इनकी पार्टी से ही बहुत लोग ऐसे थे कि जो बिल्कुल ऐसी लीडरशिप को बिल्कुल अपोज कर रहे थे। और फिर ये भी था कि एक महिला थी, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि एक महिला को एज अ लीडर वहां पे, ऐसा इस्लामिक कंट्रीज में ऐसा बहुत कम होता ही नहीं है, आप नहीं देखेंगे वहां पे, वो सिर्फ एक लंबा चौड़ा इंसान आदमी हो वो बेस्ट है उनके लिए, भले उसको कुछ आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन वहां पे लेडी कोई ऐसा लीड करे तो वो बिल्कुल उनको ऐसा पसंद नहीं आता है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण था। फिर 1990 में हम ये देखते हैं कि जो वहां के प्रेसिडेंट थे उन्होंने 8th अमेंडमेंट मतलब 8वां संशोधन किया, और इसके तहत प्रेसिडेंट को ये पावर थी कि भैया वो सरकार को बर्खास्त कर दे, और सरकार को बर्खास्त कर दिया गया 8वें संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशन में था पाकिस्तान के, उसके तहत। तो भैया 1990 में इनकी सरकार बर्खास्त, दोबारा इलेक्शन होंगे। जैसा कि मैंने बताया, शुरू में ही बताया था कि अभी तक पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिसने अपनी सत्ता जो है पूरी की हो, मतलब 5 साल अपने पूरे किए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। 1990 में जनरल इलेक्शन हुए, काफी इल्जाम लगे थे बेनजीर भुट्टो के ऊपर, तो इनको खाली 45 सीट मिली 217 में, ठीक है भैया। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन में आई है, ठीक है, अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन में आई। फिर 1993 में इलेक्शन होते हैं, हम देखते हैं 1993 में इलेक्शन होते हैं, जो जनरल इलेक्शन हुए 1993 में, पीपीपी ने सबसे ज्यादा सीटें, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ की पार्टी ने दूसरे नंबर पे सीटें जीती, ठीक है। लेकिन अगेन 1993 से लेकर 1996 तक ये प्रधानमंत्री रही, फिर इनको डिसमिस कर दिया गया, ठीक है, फिर प्रेसिडेंट ने डिसमिस कर दिया, 8th कॉन्स्टिट्यूशन, और ज्यादा प्रॉब्लम। फिर यहां पर नवाज शरीफ, अभी नवाज शरीफ वर्सेज बेनजीर भुट्टो ये चलता रहा जब तक परवेज मुशर्रफ नहीं आए। परवेज मुशर्रफ का मूड खराब हो गया कि बहुत हो गया है, तुम लोग बहुत ज्यादा खेल खेल रहे हो, रुको अभी मैं तुमको दिखाता हूं। उन्होंने पूरा तख्ता पलट कर दिया 1999 में, हो गया कबाड़ा। भुट्टो को भी बिल्कुल किनारे कर दिया, नवाज शरीफ को भी किनारे कर दिया, कारगिल वॉर होता है, और फिर भैया परवेज मुशर्रफ आ गए, प्रेसिडेंट हो गए वो, ठीक है, वो भी आर्मी चीफ थे, प्रेसिडेंट हो गए, तीसरी बार तख्ता पलट हो गया था जो कि आर्मी ने किया था। संशोधन जो है वो हटा चुके थे, जिसमें यह था कि भैया प्रेसिडेंट जो है वो आसानी से सरकार को डिसमिस कर सकता है। तो अब परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया, और जाहिर सी बात है कि बेनजीर भुट्टो को तो छोड़ने वाले थे नहीं, तो बेनजीर भुट्टो के ऊपर आरोप लगाए, 5 साल की सजा हुई। बेनजीर भुट्टो समय दुबई में थी, ठीक है, और अगर वो पाकिस्तान आ जाती तो उनपे जुर्माना ठोक के उनको बंद कर दिया जाता, फिर वो कभी वापस बाहर भी नहीं आती, ये सब कुछ हुआ। तो इसके बाद 2007 तक दोस्तों भुट्टो जो है वो कभी दुबई में, कभी इंग्लैंड में, ये चलता रहा, वो दुनिया घूमती रही। और अब जो है मुशर्रफ पे इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा था। देखिए पहले मुशर्रफ बिल्कुल, मतलब जो अमेरिका है वो मुशर्रफ को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि जो अफगानिस्तान वाला इशू था और जो ओसामा बिन लादेन की जो पूरी ढुंढैया चल रही थी उसमें मुशर्रफ का रोल अहम था। लेकिन बाद में
जब वक्त आगे बढ़ता है तो अमेरिका और यूके दोनों समझ गए थे कि मुशर्रफ जो है वो कोई खास काम के हैं नहीं, ठीक है। तो अब यहां पे हम ये देख रहे हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा है तो भुट्टो तो बाहर हैं, अब वापस आएंगी तो क्या होगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। इसी दौरान इनके पति जो है, इनके पति को जेल में डाल दिया गया था, बहुत टाइम से जेल में थे, आसिफ अली जरदारी जो थे, और भुट्टो जो है बाहर से ही रह के ये कह रही थी कि मेरे पति को छोड़ो भैया, काहे उनको जेल में बंद करके रखा हुआ है। तो ये सब कुछ हो रहा था बाहर से। हालांकि भुट्टो जब सेंट्रल लंदन में रहती थी तो वहां पे वो जो उनका फ्लैट था, जिस फ्लैट में रहती थी, वो पीपीपी के लीडर्स का अड्डा था। वहां पे सब आते थे, स्ट्रैटेजी डिस्कस करते थे कि किस तरीके से पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाई जाए और क्या करना है। इसी दौरान परवेज मुशर्रफ पे काफी ज्यादा प्रेशर भी बिल्ड हुआ। तो इंटरनेशनल प्रेशर के कारण भुट्टो और मुशर्रफ मिलते हैं। उसके बाद फिर दोनों में डिसाइड होता है कि ठीक है, मुशर्रफ एग्री हो जाते हैं कि आप आइए। लेकिन उन्होंने एक बार बोली थी कि आप यहां पे आएंगे, परवेज मुशर्रफ जब भुट्टो जो है जब लंदन में थी, तो परवेज मुशर्रफ ने फोन से एक बात बोली थी भुट्टो को कि अगर आप यहां पे आएंगी तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। लेकिन फिर भी भुट्टो आती हैं, और जब वो आई अक्टूबर 2007 में, एक और चीज हुई थी, मुशर्रफ सबसे पहले दोबारा प्रेसिडेंट बनते हैं, और इसी महीने भुट्टो भी वापस आई पाकिस्तान में। कराची एयरपोर्ट पे जब आई, बहुत सारे लोग आए, काफी लोगों ने इनको ग्रीट किया, बहुत ही अच्छा है। एक जो माहौल था ना, वो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा सुपरस्टार वापस आ गया है, क्योंकि जो उम्मीद है वो बहुत बड़ी चीज होती है, और भुट्टो को नई उम्मीद की लहर से लोग देख रहे थे कि ये नया पाकिस्तान बनाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और यहां तक भुट्टो ने भी ये बोला था कि मॉडरेशन वर्सेस एक्सट्रीमिज्म, यही पाकिस्तान की मेन प्रॉब्लम है, और ये हमेशा कभी ना कभी एक्सट्रीमिज्म जो है वो मॉडरेशन पे हावी हो जाती है, तो इसको हटाना है, ठीक है। अब जब ये आई कराची में, जब ये लैंड हुई, तो भैया ये निशाने पे थी, ठीक है। और उस समय तक आतंकवाद काफी चरम सीमा पे भी जा चुका था, इधर तालिबान की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, अलकायदा का बहुत दिक्कत हो रही थी, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो भैया खतरा बहुत ज्यादा था। और परवेज मुशर्रफ ने पहले ही फोन पे बोल दिया था कि ऐसा है कि देखो, अगर तुम आओगी तो हम इतनी सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, और भैया अपने मतलब सामान की सुरक्षा खुद ही करो, मतलब हम नहीं कर पाएंगे, याद रखना। तो यहां पे जब भुट्टो आती हैं, पाकिस्तान आई, कराची एयरपोर्ट पे लैंड हुई, लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, ह्यूमन चेन बना के भले ही चल रहे हो, लेकिन भयंकर ब्लास्ट होता है जिसमें 150 लोग मर गए, 400 से ज्यादा लोग घायल हुए, बेनजीर भुट्टो बाल बाल बची, ठीक है। लेकिन वही है कि कब तक बचेंगी। अब दिसंबर में इलेक्शन होने थे, ठीक है, जनवरी में इलेक्शन होने थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। यहां पे भुट्टो को चेता गया था कि इलेक्शन से पहले आपके ऊपर अटैक हो सकता है। इनफैक्ट परवेज मुशर्रफ भी इससे नहीं बचे थे, परवेज मुशर्रफ पे भी कई बार अटैक हुआ था, वहां यही होता है, बहुत दिक्कत थी, ठीक है। परवेज मुशर्रफ भी असैसिनेशन अटेम्प्ट में बचे हुए थे, मतलब उनके ऊपर भी कई बार उनको भी मारने की कोशिश की गई थी। भुट्टो ने बोला कि इस बार जब हम इलेक्शन में आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एनर्जी, एनवायरमेंट एंड इक्वालिटी, इस पे काम करेंगे। बहुत बढ़िया है मैनिफेस्टो, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इससे पहले सब कुछ होता, 27 दिसंबर 2007 को भुट्टो की जान चली जाती है। कैसे? सुबह का वक्त था, उस समय अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हामिद करजाई आए हुए थे पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद उनसे मिली, दोपहर में एक रैली थी, लियाकत नेशनल बाग है रावलपिंडी, रावलपिंडी में वहां का आर्मी का बेस भी है, ठीक है, वहां का बहुत बड़ा लियाकत नेशनल बाग है, हजारों की संख्या में लोग आए थे इनकी स्पीच सुनने। उसके बाद ये जब वापस आए, इनकी वाइट लैंड क्रूजर थी, बुलेट प्रूफ थी वो गाड़ी, लेकिन जो ऊपर रूफ होती है ना, आपने देखा होगा गाड़ी के ऊपर जो सनरूफ होती है वो इन्होंने खोल दी, और ऊपर ऐसे लोगों का मतलब ऊपर जाके वो ऐसे अभिवादन करने लगी, ठीक है, वो ऐसे हाथ हिलाने लगी। आप समझ रहे ना, वो गाड़ी के ऊपर ऐसे लगा होता है ना, विंडो टाइप की होती है जिसको सनरूफ बोला जाता है, तो वहां से ये ऊपर चली गई, और इनका जो आधा हिस्सा था, कमर के ऊपर का हिस्सा, वो पूरा विजिबल था। बल्कि ये बोला जा रहा था कि अरे भैया मतलब ऐसा मत करो, कहीं कुछ हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फिर भी भुट्टो ने बोला कि नहीं, कुछ नहीं होगा, और उसके बाद वो सबका अभिवादन करने लगी। यहां पर 15 साल का लड़का आया पास में, उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी, और उसके बाद अपने आप को उड़ा लिया, वो एक सुसाइड बॉम्बर था, ठीक है। अब जब ये हुआ तो भुट्टो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गई। अब इसमें एक बड़ी अजीब चीज है, इसमें अजीब चीज ये है दोस्तों कि जो गार्ड्स होते हैं उनका काम होता है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि जब इस तरीके का कुछ अटैक हो तो आपको अपनी सुरक्षा नहीं करनी है, आपको लीडर को बचाना है। तो जब फुटेज आई तो यहां पे गार्ड अपने आप को बचाते हुए दिख रहे थे, ठीक है, और ये बिल्कुल एकदम है, एकदम आप देखिएगा टीम जब जारी की गई तो वहां पे पूरी जांच बैठी, तो वो गार्ड जो है वो अपने आप को बचाते हुए दिख रहे थे, और पुलिस वाले भी थे, वो भी एकदम ऐसा कोई नहीं था कि बिल्कुल शॉक हो गए हैं।
ठीक है, एकदम शॉक्ड हो गए हैं, वो बिल्कुल उनका एकदम नॉर्मल रिएक्शन था। तो जब जांच बैठी तो इन लोगों को 17-17 साल की सजा सुनाई गई, जो भी जिम्मेदार इसमें पाया गया। तो भैया यहां पे इनको रावलपिंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक इनकी मौत हो गई थी। अब यहां पे दो तीन चीजें हैं कि मौत के बारे में, एक्चुअली सस्पिशन है कि कैसे इनकी मौत हुई, अभी तक नहीं पता चला कि इनको मारा गया क्या हुआ। वैसे 90% यही मानना है कि इनको मारा गया, ये पूरी एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। और यहां पे ये भी हुआ कि इनकी मौत हुई कैसे, ब्लास्ट हुआ, ठीक है, तो जब ब्लास्ट हुआ तो कुछ कोई चीज उड़ के आई, वो इनके सर पे लग गई, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। अब ये इसलिए बताया गया ताकि बेनज़ीर भुट्टो को एज अ शहीद पेश ना किया जाए। अगर ऐसा बोला जाता कि इनको गोली लग गई या बम से उड़ गई है, तो ऐसा बोलता कि ये तो शहीद हो गई है और उसके बाद इलेक्शन में जीत जाती बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी, ठीक है। दूसरी चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट, इनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, इनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। और इनके पति आसिफ अली जरदारी से जब पूछा गया तो उन्होंने ही मना कर दिया। तो जो उंगली उठती है वो इनके पति पे भी उठती है, आसिफ अली जरदारी पे भी उठती है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि बाद में यूनाइटेड नेशंस के कुछ लोग यहां पे इन्वेस्टिगेट करने आए थे, उनको भी मना कर दिया गया कि नहीं, आप नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकते। तो यहां पे बहुत सारी उंगलियां उठती हैं कि जो बेनज़ीर भुट्टो की मौत थी वो क्या थी, अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन जब तक इनको हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये तो डेथ हो गई है इनकी, ये बच नहीं पाई है। लेकिन इनका पोस्टमार्टम नहीं अभी तक कराया गया। पहले वहां पे तालिबान के जो तहरीके तालिबान थे, ऐसा बोला गया कि उन्होंने, क्योंकि जो भुट्टो मतलब अगर ये पार्टी में आ जाती है, ये इलेक्शन जीत जाती, तो जो पूरा उस समय तालिबान का इश्यू चल रहा था उसको कंट्रोल करती, तो वहां पे जो तहरीके तालिबान वो बड़ा नाराज हो जाता, इसलिए उन्होंने मरवा दिया। लेकिन बाद में उनका स्टेटमेंट आया कि ऐसा हमने ये किया नहीं। फिर कुछ टाइम बाद अलकायदा ने जिम्मेदारी ली कि हमने इनको मारा है। अब किसने ली किसने नहीं ली क्या था ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ और हमको कभी पता नहीं चल पाएगा कि ये डेथ हुई तो हुई कैसे। लेकिन उंगलियां बहुत ज्यादा उठी, पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ और आसिफ अली जरदारी ने मना क्यों किया, ठीक है। तो बहुत सारे कुछ अनसुलझे पहलू हैं जो अनसुलझे ही रहेंगे। तो ये बेनज़ीर भुट्टो पे एक लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।